आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित भारतर महान ग्रंथ आउ काव्य गुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जय श्रीकृष्ण। महाभारत युद्ध रे भगवान श्रीकृष्ण निजे सारथी रूप से अर्जुन जो रथ को चलाउथिले सेई रथर पताका रे हनुमान चित्र अंकित थिला। पुराण रे लेखा जाइछि जे प्रकृत रे श्री हनुमान निजे अदृश्य रूप से अर्जुन रथ रे विराजमान थिले। कहीं श्रीकृष्ण तांकु से युद्ध रे अर्जुन सहायता करिबा निमन्ते आदेश देथिले। द्वापर युगरे भगवान श्रीकृष्ण सहित श्री हनुमान भेट केबे आउ केमिति हेला से कथा मु एबे आपनु कहियाकु जाउची। श्री हनुमान भगवान शंकरंकर ही अंशावतार। से तृतीय युगरे भगवान रामंकर सेवा उपलक्ष्य ही जन्मग्रहण करथिले। से प्रतिटी पदक्षेप रे श्रीरामंक सेवार कीर्तिमान स्थापन करिथिले। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा रे श्री हनुमानंकर बल पराक्रम एवं तांकर शक्ति आउ गुणर वर्णना करिया को जाय लेखिथिले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा कानन कुंडल कुंचित केशा प्रभु चरित्र सुनिवे सिया। सूक्ष्म रूप धरि सिया
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव कि नाही। त्रेतया जुगरे जेतेबेले मर्त्य लोकर निजर लीला समाप्त करी भगवान राम निजर परम धाम को बाहुड़ी गले, सेतेबेले जांबवान एवं श्री हनुमान दुई को चिरंजीवी भावरे पृथ्वी लोकर रहिबार आदेश दे गले। दीर्घकाल बंची रहिबार आकांक्षा करिथिल, तेणु हे हरीश्वर जे पर्यंत संसार रे मो कथार प्रचार होउथिब से पर्यंत तमे मो आज्ञारे पृथ्वीरे रहिब। तुमे कलिजुगर अंतरे हेबाकु थिबा प्रलय पर्यंत रही मो लीलार प्रचार करिब। यथाज्ञ प्रभु। हे पवन पुत्र, कली युगरे धर्मर केवल गोटे पर्याय बाकी रही, तेणु से भक्त को तुम सहायतार विशेष आवश्यकता रहिबो, कारण कली युगरे केवल हरि नामर अमृत ही मुख्य मार्ग हेब। ब्रह्मपुत्र वृक्षराज जांबवंत द्वापर अंत पर्यंत ए मर्त्यरे रहिबे। सी ए कथा भी कहिथिले जे द्वापर युगरे भी तांकु दर्शन देबे। सीमंतक मणि खोजिबाकु जाई भगवान श्रीकृष्ण जेतेबेले जांबवानक गुंफारे पहुँचिले, सेठी जांबवानक अनुरोध रक्षा करि तांकु पुणि थरे निजर श्री राम रूपर दर्शन देइथिले। प्रभु, केति प्रतीक्षा करिछि मु आपणंकर, मु त आपणंक निमन्ते हि एही एकांतरे साधना करूथिली। एपरी कौनसी दिन नाही जेउ दिन मु आपणंकु स्मरण न करिछि। प्रभु, एबे केवल मोर गोटे इच्छा बाकी रहिछि। कोह यदि नाथ, थरटिए मो नेत्र को निजर सेइ मोहिनी रूपर दर्शन कराइ दियंते, जेउ रूपर सुधारे तृषा निवारण निमन्ते ए नयन त्रेतया जुगरु एपर्यंत मुद्दित हेनि प्रतीक्षा करि रहिछि। शीघ्र मिलिथिला, किंतु श्री हनुमान को दर्शन देवार समय किछि विलंब हेला, बहुत प्रतीक्षा करिया को हेला। श्री हनुमान जानिथिले जे कृष्ण रूपरे भगवान अवतार ग्रहण करि सारिछंती, किंतु जने प्रकृत भक्त एवं निस्वार्थ सेवकंक भली से सेही मुहूर्तर प्रतीक्षा करिथिले जेतेबेले प्रभु निजे तांको डाकिबे आउ दर्शन देबे, कारण स्वामींकर आज्ञा बिना सेवक निज इच्छा रे जदि मालिकंक सम्मुख को चली जाए तेबे सेवकर धर्म अनुसार ताकु सेवकर धृष्टता बुझा जाय थाए। सुना जाए श्री हनुमान एक रमणीय पर्वत उपरे प्रभुंक नाम स्मरण करी स्वामींक आदेशर प्रतीक्षा रे थिले। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम 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 प्रणाम प्रभु प्रणाम भगवान कहतु कहीं स्मरण कले आपण मत प्रभु भक्त सदा सर्वदा ही भगवान को स्मरण करें आ मु तो केवल आपणकर ही ध्यान करें मो अंश और मो अवतार पवनपुत्र हनुमान भी केवल आपण को ध्यान ही मग्न रही थाए हे महादेव जेमिति जड़े मातार संतान उपरे सर्वदा ध्यान रही थाए ठीक सेमिति भगवान भी निज भक्त सर्वदा ध्यान रही थाए किंतु एमती लगुच्छे जुग जुगर आपण दर्शन अभिलाष पृथ्वी लोक निवास करुवा भक्त शिरोमणि हनुमान आड़ को आपण ध्यान देना प्रभु हे महादेव निज भक्त पालन करवा ये तो देवता मान धर्म अटे आपण भी तो जानते कैलाशपति जे हनुमान तांकर भक्ति कारण एमिति शीर्षरे पहुंची जाई जे भक्त हनुमान एवं भगवान को मध्यरे कौनसी अंतर नहीं हे शंकर धर्मर रक्षा एवं स्थापन निमंते मोर कार्यरे मोते हनुमान को भली मोर भक्तंकर आवश्यकता अछि धर्मर नाश हेइ न जाउ एथिपाई हनुमान भली भक्तंक चिरंजीवी ही रहिबा बे अति आवश्यकीय से कथा तो ठीक प्रभु किंतु आपण केबे हनुमान को निज दर्शन से धन्य करिवे जेतेबेले कौरव एवं पांडवंकर महाभयंकर युद्ध आरंभ हब सेतेबेले पांडवंक सहायता निमंते श्रीकृष्णंक सहित हनुमान भी पांडवंक पक्षरे रहिबा अति आवश्यकीय ए युद्ध पूर्वरु ही मु हनुमान को श्रीरामक रूप दर्शन कराई देवी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय नारायण नारायण प्रणाम पवन पुत्र प्रणाम देवर्षि हे राम भक्त हनुमान आज आपण प्रसन्न लागुछंती राम नाम जपिबार हे चमत्कार राम नाम जपिबा द्वारा देह एवं मनर समस्त पीड़ा दूर हो जाए जदि नाम द्वारा ही समस्त पीड़ा दूर हो जाउची तेबे भावंतु श्री रामंक दर्शन मिलिले कौन हबो नारायण नारायण श्रीरामंक दर्शन द्वारा जन्म जन्मर पाप नाश हो जाए थाए श्रीरामंकर केवल गोटाए कटाक्षरे मनुष्य जीवनर उद्धार होइथाए आउ श्रीरामंकर चरण स्पर्श मात्र के अभिशप्त जीवनर मुक्ति मिलिथाए नारायण नारायण देवर्षि राम नामर एहा महिमा हे पवन पुत्र ताहले आपण श्रीरामंक दर्शन काहेकि करुनांती श्रीरामंक दर्शन हाँ श्रीरामंक दर्शन आपण द्वारिका जानतु
सेठारे आपणंकु श्री रामंक दर्शन अवश्य मिलिबो। देवर्षि द्वारिकारे तो वासुदेव श्रीकृष्ण वास करुछन्ते। हे हनुमान, आपण तो ज्ञानी मानंक मध्यरे अग्रगण्य, जुग जुग मध्यरे जो परिवर्तन हेउछि आपण पृथ्वी लोकरे तार साक्षी। आपण अवश्य जानिथिबे जे श्रीकृष्ण भगवान विष्णुंकर ही अवतार, आउ आपण एक कथा भी जानिथिबे जे वासुदेव श्रीकृष्ण ही त्रेतया युगरे श्रीराम थिले। हाँ देवर्षि, मुए सबु जानिछि, किंतु मु जे श्रीरामंकर सेवक, प्रभु राम मोर स्वामी, सेवकर कर्तव्य हेउछि जे स्वामींक आदेश पालन करिबा। जदि श्रीरामंकर बिना अनुमति रे मु तांकु भेटिबाकु जाए तेबे ताहा मोर दृष्टता हबो, मो स्वामींक अपमान हेबो, ताहा श्रीरामंकर अवज्ञा हेबो। हे पवन पुत्र, ए द्वापर युग त्रेतया युग नुह, आपणकर कोन विश्वास अछि जे ए युगरे भी श्रीराम आपणकु दर्शन देबे? कहे कि न देबे देवर्षि, अवश्य देबे, मोर मो स्वामींक उपरे पूर्ण विश्वास रहिछि, मोर मो भक्ति उपरे पूर्ण श्रद्धा अछि, आउ मोर तांक वचन उपरे भी पूर्ण विश्वास अछि। मोते भुजाम भवानंकु प्रभु द्वापर युगरे दर्शन देवार वचन देइथिले, आउ से वचन पालन करिबा निमन्ते सीमंतक मणि बाहनारे प्रभु जाम्बवानंकु दर्शन देवा निमित्त स्वयं जाम्बवानंकु गुंफाकु जाइथिले, मते भी दर्शन देबे, से समय आगत हेले से अवश्य मते दर्शन देबे। नारायण नारायण, आपण त अंतर्जामी। अंतर्जामी तो मो प्रभु श्री राम देवर्षि, प्रभु एक वचनीय, एक पत्नीक, आउ एक बाणीय, से अवश्य मते दर्शन देबे, आउ जे पर्यंत दर्शन निमन्ते से मते डाकरा न देइछन्ति से पर्यंत मु तांकर प्रतीक्षा एइठारे ही करिबि। हे पवन पुत्र, जदि आपण द्वारिका न जाउछन्ति तेबे मु द्वारिका जाई द्वारिकाधीशंकु आपणंकु दर्शन देबाकु प्रार्थना करिबि। ना देवर्षि, आपण प्रभुंकु कष्ट देबा आद्यौ आवश्यक नाही। भल कथा, मु आपणकर ए भावना भी उन्मोचन करदेवि, आउ काली आसी आपणकु कहिदेवि जे प्रभु उत्तर रे कोन कहिचंति। काली मु गंधमर्दन पर्वत रे रहिबि निदेवर्षि। काहेकि पवन पुत्र, जदि आपण द्वारिका जाउ नहंती ताले काली आपण केउठी को जाउचंति? देवर्षि, आपण तो त्रिकालदर्शी, आपण जानते जे काली रामनवमी मो प्रभुंक जन्मदिन, आउ आपण एक कथा भी जानते जे प्रतिवर्ष मु एई दिन रे अयोध्या नगर रो सरजु नदी कूल रे ब्राह्मणंकु भोजन देई थाए, बस मु सेठा को जाउची। नारायण नारायण, हे प्रभु, देवर्षि हनुमान रो परीक्षा नबक चाहुचंती। ভগবান দেবর্ষি কিছু বি করে পারন্তি, কালি যদি আমার বি পরীক্ষা নিয়ন্তি আমি আশ্চর্য হওয়া উচিত হবনি। ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ ଦେବୀ, ତମେ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛ, ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ଭକ୍ତ ଯାହାର ସ୍ମରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଥିବ। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭକ୍ତ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ଯିଏ ନିଜର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି
जे भगवान को प्रकृत भक्ति एवं श्रद्धा कौनसी कठोर तपस्या कम ही नथाए। हनुमान हजारे वर्ष हला एमिति कठोर तपस्या करि चली छंति देवी। प्रभु आपणक भक्त हनुमान करो कठोर तपस्या प्रकृत रे प्रशंसनीय एवं आदरणीय, किंतु आज हठात आपणकर निज भक्त हनुमान करो स्मरण केमिति आसिला? देवी जेमिति प्रकृत भक्त निज भगवानंकर सर्वदा स्मरण करि चली थांति, ठीक सेमिति भगवान भी निज भक्त को केबे भूलि न थांति। किंतु भगवान निजर भक्त को भेटिबार समय एवं कारण पूर्व निर्धारित, अर्थात आपण एवं आपणक भक्त हनुमानकर मिलनर कारण भी पूर्व निर्धारित हेथिबो। प्रभु अवश्य देवी, भगवानंकर दर्शन लभिबा एवं अनुग्रहित हेबार अभिलाषा तो प्रतिटि भक्त हृदय रे अछि। ए इच्छा एवं अभिलाष पाई तो समस्ते तपस्या करंती। ए तपस्या पछरे किंतु भक्त मनरे केबे केबे किछे स्वार्थ लुचि रही थाए। भक्ति रे स्वार्थ? प्रभु हाँ देवी, कौन से भक्त भगवान को ठारु वरदान प्राप्त करी अमर हेबा को चाहे तो कौन से भक्त सांसारिक विभवर आकांक्षा रे तपस्या करी थाए, आउ कहार राज्य एवं शासन लालसा रही थाए। किंतु मोर प्रिय भक्त हनुमान केवल निजर प्रभु दर्शन एवं आत्मसमर्पण भावना नहीं निरवच्छिन्न तपस्या करी चली छंती। प्रभु यदि हनुमान आपणक दर्शन निमंते इति व्याकुल होउछंती, तबे आपण ताको निज दर्शन दे धन्य कर दियंतु। देवी केवल हनुमान नुहंती, मो भी व्याकुल मो भक्त को भेटिबा पाई। जेमिति हनुमान त्रेतया जुगरु द्वापर जुग पर्यंत मोरी प्रतीक्षा करुछंती, सेमिति मु भी हजारे वर्षर मु तांकु भेटिबा पाई व्याकुल। प्रभु ताहेले आपण हनुमान को विरहरे व्याकुल काहे के करुछंती? ए प्रतीक्षा रे अंत काहे करुनांती? सेई समय त एबे आसुछि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। मुनिबर आपण व्याकुल थिला बले लागुछंती, कोठु आसुछंती आपण? गंधमार्दन पर्वतरु सीधा एठे को आसीछि माता। हनुमान को भेटे आसुछंती तो सेति पई देवर्षिं को मुख मंडल रे व्याकुलतार रेखा लहड़ी भांगिला भले देखा जाउछंती। नारायण नारायण। प्रभु ए मुहूर्त रे मु आपण को दूत हनुमान को दूत भाबरे खबर आनीछि। कहंतु कौन खबर पठाई मो भक्त? मु हनुमान को कहली जे से द्वारिका आसी आपण को भेटी जातु, किंतु से एक कही मत मना कर देले जे से भक्त आपण को इच्छा एवं आज्ञा बिना दर्शन करने को आसबेनि। सेठ मु कहली जे मु प्रभु को प्रार्थना करी से स्वयं आसी गंधमार्दन पर्वत आपण को दर्शन देवे। कौन कहले हनुमान? कहले मो प्रभु को कष्ट देबा आदो आवश्यक नहीं। बा धन्य हनुमान कर स्वामी भक्ति, धन्य। आ हां प्रभु, नारायण नारायण। मु तो बधि देबा को भूली जाई छी, आपण को जन्मदिन रो अग्रिम बधि स्वीकार करंतु भगवान। परंतु मुनिवर जन्माष्टमी तो एबे विलंब अछि ना? नारायण नारायण। जन्माष्टमी तो केवल प्रभु को जन्मदिन नुहे माता, रामनवमी रे भी प्रभु को जन्मदिन पड़े ना। श्रीराम एई प्रभु को अवतार ही थिले। अच्छा अच्छा, तेबे आपण तांको रामनवमी रे बधि दो थिले? हां माता। प्रभु काली रामनवमी ना, बहुत मजा हबो। रामन को जन्मदिन रो अवसर रे श्री हनुमान मंदिर रे पुजारी रूप धारण करी ब्राह्मण मानन को भोजन देबे। नारायण नारायण। हां मुनिवर, आपण त हेले ब्राह्मण, भला खाइबा पीबार सुजोग को आपण केमिति हाथ छड़ा करिवे? नारायण। प्रभु आपण भी टिके चालंतु ना, बहुत भला सुजोगटी। से कथा तो ठीक, किंतु मो जीवत्वरे हनुमानंकर समस्त कार्य एपट सेपट हिजिबो,
मते देखी तांकर सेवा भावनारे बाधा उपजिबो। प्रभु रूप बदलै चली जिबा बिचरा हनुमान एक कथा केमिते जानिबे से आपन को चिन्हि पारिबेनी। नारायण नारायण। प्रभु मुनिवर जदि चाहौ छंती तबे जाई देखि आसंतु ना सेठारे कोन होउची। हां प्रभु राम नामर गुंजरण चतुर्दिगरे सृष्टि होउची से दृश्य त अवश्य दर्शनीय भगवान। कि दृश्य हेथि बसी आपण कोठारु समग्र वृतांत सुनिसारि मो मनरे भी लालसा हेउची जे मु नीचे जाई से दृश्य निज आखिरे देखिबी। तबे जानतु ना प्रभु संकोच काई करछंती। नारायण 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 नारायण। सुगंध आसुच तो लगुच श्री हनुमान बहुत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर। नारायण 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 नारायण। प्रभु मोते काई लागुनी जे एबे आपनको भक्त आपनको चिन्हि पारिबो। एमिति आपन भाबुछंती श्री नारद। कुह जय श्री राम। जय श्री राम। जीवा कुह जय श्री राम। जय श्री राम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। कुह जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you.
पंडित महाशय अरे मत भी दियंतु ना श्रीराम प्रसाद मो बहुत भूकिला परसंतु ना बहुत भोक लागुच पंडित महाशय परसंतु परसंतु ना हे प्रभु हे प्रभु प्रभु अधम सेवक प्रणाम स्वीकार करंतु क्षमा करंतु प्रभु मोर जदि कौनसी त्रुटि थाए मते क्षमा करि दियंतु प्रभु हनुमान तमर कौनसी त्रुटि केबे ही न पारे प्रभु मोर कोठी त्रुटि रहिला एमती को पाप मो द्वारा हेची जे आपण निजे एठाकु चली आसिले जेते बेले कि मोर निजे द्वारिका थी बाउचित थिला हे पवन पुत्र मो तुमर भक्ति आ सेवा रे विघ्न सृष्टि करबा को चाहु नथिले मोर तो इच्छा थिला आपण को दर्शन लभिबी भाबुथिले आपण को दर्शन के जानि केबे हबो ताहाले आज तुमर इच्छा पूर्ण हे गला ना ना प्रभु ना मो एमिति इच्छा कदापि पोषण करिबिनी जे मो स्वामी मो निकट रे हाथ पतेइबे आउ मो अधमतांक सम्मुख रे दाता हेबी प्रभु ए दर्शन नुह अनर्थ अनर्थ ए दृश्य देखिबा पूर्व मो आखि अंध होइ जाइथिले भलो हेतांता ना कपिश जेउ आखि केवल मो चरण को देखि ए कथा जानि परुछि जे ए चरणता स्वामी को चरण से आखि तो तेजस्वी आखि भला एमिति आखि अंध केमिति हे परिबो हुए तो एमिति दृष्टि शक्ति मोर प्रत्येक भक्तंकर थांता कि प्रभु ए दर्शन संपूर्ण नहु मु आपणक दर्शन निमन्ते निजे आसीबे आउ सीता मातांक सहित आपणक दर्शन करिबी ताहले तो मोर दर्शन पूर्ण हबो तबे तो मोर मनोकामना पूर्ण हबो तथास्तु मु धन्य हे गली प्रभु मु धन्य हे गली बा प्रभु बा आपण का भक्त तो अभिभूत कर देले हाँ देवी से निज भक्ति द्वारा मोर ए मन को तृप्त कर देले आ हां देवर्षी आपण को पेट पूरी छि ना नै आ आपण को भोजन कमी जाइनी त मुनिवर भोजन ओ कोन करिवे हनुमानंकर श्रद्धा ओ भक्ति को देखि तांको मुह तो सेमति खोला रही गला भगवान आपण कहि नथिले किंतु मु जानिथिले जे आपण केवल निज भक्तर परीक्षा नेबा पई सेठी के जाईथिले ठीक ना ना देवी मोर हनुमान को उपरे पूर्ण विश्वास अछि मु जानिथिले जे मो परम भक्त मते जे कोनोसे रूप रे देखिले बे चिन्हि परिबे तहले
आपण सेठी के जाईथिले काहे की ए प्रश्नर उत्तर त मुनिवर ही देबा उचित जिए कि हनुमान को साधारण भक्त भाभी एक कथा कहुथिले जे से मते चिन्ह ही परिबेनी कोन मुनिवर मोर बहुत बड़ा भूल ही गला भगवान आपणक भक्तिर गर्वर प्रभाव रे मु प्रभावित हो जाइथिली आ मु निजे निजकु आपणकर सर्वश्रेष्ठ भक्त विचार करूथिली ये मोर अहंकार थिला भगवान मोर अहंकार सेई अहंकार को खर्प करबा निमन्ते मते आपणक सहित हनुमान निकट को जीवा को पड़िला मते क्षमा कर दिंतु भगवान मु मानुची जे हनुमान ही आपणकर परम भक्त भक्त तो संपूर्ण समर्पण रो परिचय आउ जदि भक्त भितर अहंकार रो टीके भी संभावना सृष्टि हुए तेबे भक्त रो विनाश आरंभ हो जाए आ मु चाहु नथिली जे देवर्षि एवं मोर अन्य भक्तंक भक्तिर भी विनाश हो जाउ प्रभु आपणक अन्य भक्त मध्य कोन अहंकारग्रस्त हां देवी आपण को भक्त कथा कहउछन्ते अनेक अछन्ते जेमिति कि आमो ज्येष्ठ भ्राता भ्राता भीम अर्जुन मोर सुदर्शन चक्र एवं गरुड़ ए समस्तंको अहंकार रो नाग दंशन करि सारिछि कहार बाहुबल रो गर्व रहिछि तो आउ कहार धनुर्विद्या उपरे गर्व रहिछि ये समस्त मोर निजर मो काहा को हरेइबा को चाहुनी सेथिपई सेमानंकर अहंकार ही मते भांगिबा को पड़िबो किंतु भगवान आपण सेमानंक अहंकार भांगिबे केमिति मो नह देबे मोर परम भक्त हनुमान ए समस्तंक गर्व को भांगिबे आउ एबे त हनुमान को वासुदेव भगवान को प्रथमे ठीक करिबा को पड़िबो वासुदेव भगवान को भी ठीक करिबे हां मुनिवर प्रभु ये आपण कोन कहउचंति मुनिवर ए पृथ्वी रे अन्य जने वासुदेव जन्म ग्रहण करिसेंति वासुदेव भगवान पंड्र नगरी रो राजा वासुदेव पंड्रक हां मुनिवर ए द्वापर युग रे जने तो मोर परम भक्त हनुमान अछंति जे संपूर्ण समर्पण रो प्रतिमूर्ति आ अन्य पटरे पंड्र नगरी रो राजा जे समर्पण स्थान रे गर्व एवं अहंकार रे पीड़ित से निजे निजकु वासुदेव कहउछि आउ से शंख पद्म गदा एवं सुदर्शन चक्र भी धारण करी रखिछि सुदर्शन चक्र भी धारण करी रखिछि हां मुनिवर सेतिकि नुह से निजर काकांक पुत्र को बलरामक परिचय भी देउछि पंड्रक निजकु प्रकृत वासुदेव आउ मते नकली वासुदेव कहउछि महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव पौंड्रकंकर जय महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव पौंड्रकंकर जय महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव पौंड्रकंकर जय महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव भगवान पौंड्रकंकर जय महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव पौंड्रकंकर जय महाराज पौंड्रकंकर जय वासुदेव पौंड्रकंकर जय मो श्रद्धाळुंकर श्रद्धा एवं समर्पण देखि मोर ए मन प्रसन्न हेला हा भगवान पौंड्र नगर रे श्रद्धाळु मानंकु देखिबा परे ए काशीराज रो मस्तक भी श्रद्धा उ आदर रे आपनको सम्मुख रे नत होउची काशीराज तुमे राजा वाराणसी रो महाराजा मोर प्रिय मित्र भी हां सर्वदा मो निकट रे उपस्थित सेति पई तुमे मो माया को देखि छ आउ परखि छ आउ मते मायापति मानि छ तुमे जानि छ जे मो मायापति ए जुगर भगवान निसंदेह भगवान ता सहित वाराणसी रो राजा काशीराज भी रहि छन्ते पौंड्रक निज राज्य रे आदेश जारी करि सारि छि जे ता व्यतीत अन्य कोनोसी भगवान को पूजा करथुबा व्यक्ति को दंड दिया जीव दंड मो राज्य रे भली अनेक व्यक्ति थिबे जेउ मानंकर ज्ञान नथिबो जे मु भगवान
माया मोर अधीनस्थ। क्षमा करंतु वासुदेव, आपणंकर ए सेनापति दुर्धर आपणंकर राण खाई कही पारे जे पौंड्र नगरी रे एमिति कौनसी मस्तक कौनसी नास्तिक घरे बाकी नथिबो जहां आपणंक सम्मुखरे अवनत होई नथिबो। मो कथार सत्यतार साखी मोर ए तरबारी जिए कि प्रतिदिन नास्तिकंक रक्तरे स्नान करिथाए। मोर ए तरबारी निजे आपणंकर जय जयकार करुछि आउ जनतांकु भी जय जयकार कराउछि। भगवान भगवान वासुदेव पौंड्रकंकर जय। भगवान वासुदेव पौंड्रकंकर जय। भगवान वासुदेव पौंड्रकंकर जय। महाराज काशीराज, मोरे श्रद्धालु मानुकु सेमानक श्रद्धा बदलरे पुरस्कार मिलबा उचित, ठीक ना? निसंदेह रे भगवान, ए समस्तंक निमन्ते आपणक कुबेर कोठर द्वार खोली दिया जायछि। उठाओ ले जाओ निया। महाराज पौंड्रकंकर जय। वासुदेव पौंड्रकंकर जय। महाराज वासुदेव पौंड्रकंकर जय। श्रद्धालुगण, निजर भगवानंकु साष्टांग प्रणिपात कर। प्रभु तथास्तु। महाराज पौंड्रकंकर जय। वासुदेव पौंड्रकंकर जय। छड़ दियो मते, छड़ दियो मते, छड़ दियो, छड़ दियो मते। प्रभु, जने साधु संतों को एमति श्रृंखल रे बांधी काई कानी छ? अरे ये माला जपुथवा जने साधु संत ताकर ए भली दुर्दशा। भगवान, ए बुढ़ार बेसबुसर भली जानतिनी, ए अधर्मी आपन माला जप करूनी। भगवान वासुदेवंकर पूजा करनु। अरे चक्रधारी शंखधारी गदाधारी वासुदेवंकर पूजा करनी, तथापि भी एही पौंड्र नगरी रे जीवित रहिछि। हे वासुदेव, जदि आपण आज्ञा दियंती मु यांकर शिरच्छेद करबी। ना दुर्धर, मनुष्यर त भूल अवश्य हि थाए, ए सज्जन भूल करिछन्ति, तांको पश्चाताप एवं भूल सुधारिबार सुजोग अवश्य मिलबा उचित। हे अधर्मी दानव, सुजोग
तते तो वासुदेव श्रीकृष्ण देइछती निजर भूल सुधारिबाकु किंतु तू निजर भूल सुधारिबा ना भी धरुनु आउ ए नकली गदा शंख आउ चक्रर प्रदर्शन करी प्रजा को प्रतारणा करछु तू निजे निजे को भगवान कहछु तू निजे निजे को भगवान कहछु पौंड्रक तू किंतु भगवान नुह वासुदेव तो द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण अटंती